ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अंटार्कटिक महासागर के बारे में। आखिर इस महासागर में ऐसा क्या है जो अन्य महासागरों से इसे अलग बनाता है, तो ये जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिक महासागर को दक्षिण ध्रुवीय महासागर के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह महासागर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में साउथ पोल कहा जाता है और इस महासागर को साउदर्न ओशियन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम अंटार्कटिक महासागर कैसे पड़ा। चूँकि यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप में चारों ओर फैला हुआ है, इसीलिए इसे अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। एक बात जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि सन 1911 तक दक्षिणी ध्रुव पर एक भी मनुष्य नहीं पहुंच पाया था। इस महासागर में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अन्य महासागरों की तुलना में एकदम अलग हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसलिए यहाँ कोई अस्थायी निवासी नहीं है। यहाँ केवल पेंगुइन, सील तथा अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है। अंटार्कटिक महासागर व्हेल मछली के शिकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से व्हेल मछली का बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता है। अंटार्कटिक महासागर विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महासागर है। अंटार्कटिक महासागर साल के लगभग सभी महीनों में और खासकर सर्दी के मौसम में बर्फीली तूफानी हवाएं चलती हैं और यह महासागर में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ तैरते रहते हैं। अंटार्कटिक महासागर की खास बात यह है कि इस महासागर में विशालकाय हिमशैल या कहें हिमखंड तैरते रहते हैं। कई हिमखंड की ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है कि इसके सामने पृथ्वी पर कई पहाड़ बने नजर आएंगे। समुद्री खोजकर्ताओं ने इस सागर में कई ऐसे प्रकार के हिमशैल भी देखे हैं जिनका क्षेत्रफल 100 वर्ग मील से अधिक था। इनमें से कुछ हिमशैलों की मोटाई 1000 फीट से भी अधिक थी। सर्दियों के दौरान अंटार्कटिक महासागर का आधा हिस्सा हिमखंडों और बर्फ में ढक जाता है। अंटार्कटिक की बर्फ की चादर से कुछ बर्फ और हिमखंड टूटते हैं और अंटार्कटिक महासागर के पानी में तैरते हैं। कुछ हिमशैल तैरते तैरते समीपस्थ अन्य महासागरों में भी चले जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति अंटार्कटिका महासागर की बर्फ और अंटार्कटिका महाद्वीप पर रहती है। दुनिया का 90% बर्फ अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका महासागर की सीमाओं के भीतर निहित यह महाद्वीप दुनिया में सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिक महासागर में गर्मी का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक चलता है, जबकि सर्दियों का मौसम मार्च से सितंबर तक चलता है। अंटार्कटिक महासागर की बर्फ के सतह के नीचे समुद्र का पानी केवल -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा दक्षिणी सैंडविच ट्रेंच का दक्षिणी छोर है, जो 23,000 फीट गहरा है और अंटार्कटिक महासागर की औसत गहराई 1300 से 1600 फीट है। यहाँ पर तापमान -100 डिग्री फारेनहाइट से भी कम हो सकता है। धरती पर सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिक में ही दर्ज किया गया है, यह -128 डिग्री फारेनहाइट था। ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिक महासागर की और अंटार्कटिक महाद्वीप की बर्फ की चादरें पिघली तो दुनिया भर के समुद्र की ऊंचाई 65 मीटर तक बढ़ जाएगी और पूरे दुनिया में हाहाकार मच सकता है। तो आज मैंने आपको अंटार्कटिक महासागर के बारे में जानकारी दिया। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञान वर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।